भरतपुर में गैंगरेप पीड़ित नाबालिग बालिका की मौत प्रकरण में एसपी देवेंद्र विश्नोई की रणनीति कारगर साबित हुई। एसपी के निर्देश पर चार दिन में ही पूरे मामले का खुलासा हुआ है। 10 जनवरी को ये मामला केथवाड़ा थाने में दर्ज हुआ था। मामला दर्ज होने के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया था। 14 जनवरी को पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर इस पूरे मामले का खुलासा किया था। केथवाड़ा पुलिस ने एक आरोपी को भी इस मामले में निरुद्ध किया है। पुलिस ने खुलासा कर राजनीतिक चर्चाओं पर विराम लगा दिया। केथवाड़ा थानाधिकारी राम नरेश मीणा ने इस पूरे मामले में खासी मशक्कत की है। सर, घटनाक्रम के बारे में। दिनांक 10 जनवरी को पुलिस थाना केथवाड़ा में किशोरी के साथ का वीडियो वायरल, गैंगरेप एवं उसके बाद में किशोरी द्वारा आत्महत्या के प्रकरण में पुलिस थाना केथवाड़ा के ही खोरा गांव के दो युवक मनीष एवं हफीज को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया गया है और मामले में आगे अनुसंधान जारी है।